भारत और ऑस्ट्रेलिया आम दोनों के बीच में एक बार फिर से आईसीसी को टूर्नामेंट होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। पिछले कुछ साल से अफवाह देख रहे हैं कि ये दोनों टीमें बहुत ही ज्यादा बार फाइनल और सेमीफाइनल में आपस में भिड़ती रही। पिछले कुछ साल की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबले टक्कर को चाल रहे और ऑस्ट्रेलिया हर बार ही फाइनल के मुकाबले में टीम इंडिया ने मात दे दी है, चाहे बात अफवाह करें इंटरनेशनल मैच की या फिर अंडर 19 के वर्ल्ड कप के बारे में। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया टीम इस बार फिर से अगर फाइनल में टीम इंडिया के सामने आई तो टीम इंडिया इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम में छोड़ बड़ी कुने। अब थाने बता सू की ऑस्ट्रेलिया टीम आखिरकार टीम इंडिया के सामने कई आंस गए जाएंगे। सबने बेरो है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 चल रही है और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो फाइनल मुकाबले है वो जून 2025 में खेले जाओगे, यानी अब से एक साल बाद में टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल होती। तो ये एक साल के अंदर पॉइंट टेबल में जो भी टीम टॉप टू में जाऊंगी वे टीम फाइनल को मुकाबले खेलेंगी। अब अगर थाने पॉइंट टेबल के बारे में बताऊं तो पॉइंट टेबल में टीम इंडिया नंबर 1 पर पहुंच रही है और न्यूजीलैंड टीम नंबर 2 पर और ऑस्ट्रेलिया टीम नंबर 3 पर पोजीशन पर आ रही है। टीम इंडिया ने नंबर 1 की पोजीशन में बिठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत बड़े आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में 2 टेस्ट मैच सीरीज चल रही है और इस सीरीज को जो पहलो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया टीम न्यूजीलैंड की टीम ने हरा दी है और न्यूजीलैंड टीम यो मैच हारते ही नंबर 1 की पोजीशन से हटके नंबर 2 पर आ गई और नंबर 1 की जो पोजीशन है बड़ी अपनी टीम इंडिया जाके बैठ गई है। तो यह जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती वी के अंदर जो फाइनल मुकाबला होगा वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन तीन टीम के बीच में होने की संभावना है। और सो ज्यादा जो फाइनल मुकाबला हो सके ये हो सके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो चलो ये जो तीन टीमें हैं इनका जो बाकी मैच बच रही इनके बारे में एक बार बात करा तो भारत की जो टीम है वह 5 टेस्ट मैच की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है और इनका 4 मैच अब तक टीम इंडिया खेल चुकी है और इन 4 मैचों में से 3 मैच टीम इंडिया आपका नाम करेंगे। तो भारत एक मैच तो खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ, इसके बाद में भारत की टीम आपको होम ग्राउंड पर यानी कि भारत में ही 2 मैच खेलेगी बांग्लादेश से और 3 मैच खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसके बाद में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी और 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल के आवेगी। तो टीम इंडिया ने भारत की जमीन पर आना कोई सवाल ही नहीं है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में भी 5 मैच सीरीज ने टीम इंडिया आसानी से जीत सके। दूसरे नंबर पर अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया टीम का 5 मैच खेलेगी घर में जो कि भारत खेल के आओगी और बाकी जो 2 मैच बचेंगे अभी खेलेगी श्रीलंका में जाकर टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया टीम इसके अलावा 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया टीम आसानी से फाइनल में पहुंच सके। लेकिन अगर बात करें न्यूजीलैंड टीम के बारे में तो न्यूजीलैंड टीम आपके होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ खेलेगी और ये दोनों टीमें ही बहुत टफ मुकाबला देंगी न्यूजीलैंड ने। और बात करें न्यूजीलैंड के विदेश दौरे के बारे में तो न्यूजीलैंड श्रीलंका से 2 मैच खेलेगी और भारत से खेलेगी 3 मैच। तो न्यूजीलैंड टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो रहा है वह बहुत ही मुश्किल उबाड़ी है, बाकी ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए जो रहा है या बहुत आसान उबाड़ी है। तो इन देखता लग रही है कि न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कुछ पूछ सके, बाकी एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला हम देखने मिल सके। तो आज की वीडियो में से तो अगर वीडियो संतोष लगी हुई है तो वीडियो लाइक करियो और चैनल में सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर करियो।